घटोटकच के पुत्र का क्या नाम था? प्रश्न है, घटोटकच के पुत्र का क्या नाम था? देखिए, भीम जो था एक राक्षसी से ब्याह किए थे युद्ध में, जो राक्षसी थी वो हार गई थी, तो उससे ब्याह किए थे, मतलब राक्षसी का पुत्र कौन था? घटोटकच, जिसका नाम था हिडम्बा। यानी हिडम्बा से जब युद्ध हुआ था राक्षसों में, तो भीम उससे युद्ध जीते थे, जिसके कारण से हिडम्बा से भीम जो था, पांडवों का जो सेकेंड पुत्र था भीम, उसका ब्याह हिडम्बा से हुआ था, और हिडम्बा का पुत्र था घटोटकच, जो राक्षस जाति से बिलोंग करता था, जिसका शरीर एकदम बहुत बड़ा था। जानिए, तो घटोटकच के पुत्र का क्या नाम था? तो घटोटकच के पुत्र का नाम था बड़बड़िक। आप नाम सुने होंगे बड़बड़िक। देखो, बड़बड़िक एक ऐसा महायोद्धा था ना, जो अपने पितामह ने भीम को भी युद्ध में हरा दिया था। जानिए, भीम को भी हराया था। और दूसरी बात है, बड़बड़िक के पास तीन ही बाण था, और ये तीन बाण में ही चाहता तो बड़बड़िक पूरे महाभारत को खत्म कर सकता था। बड़बड़िक, इसका नाम इसकी दादी सिखाई थी हिडम्बा, यानी बड़बड़िक के दादी का क्या नाम था? हिडम्बा। यानी भीम के पत्नी का नाम हिडम्बा, और हिडम्बा के बेटा का नाम घटोटकच, और हिडम्बा के पोता का नाम था क्या? बड़बड़िक। यानी भीम का पोता कौन था? बड़बड़िक था। तो बड़बड़िक जो था ना, तीन बाण में महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण देखे कि हमें तो धर्म की स्थापना करना, अगर ये तीन बाण में युद्ध खत्म कर देगा तो धर्म की स्थापना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना करे भगवान कृष्ण के नजरिए में ये युद्ध अति आवश्यक था। तो बड़बड़िक को क्या किए भगवान कृष्ण? तीन बाण में बोले कि मुझे साबित करके दिखाओगे तुम सच में तीन बाण में युद्ध को समाप्त कर सकते हो? तो भगवान कृष्ण जब इनकी कौशल देखे, तीन बाण में जब युद्ध को खत्म करने की क्षमता देखे, तो अचंभुक रहे। भगवान कृष्ण बड़बड़िक से इनका क्या किए? गर्दन मांगे। बड़बड़िक हंसते हंसते भगवान कृष्ण को क्या किया? अपना गर्दन दे दिया। उसी समय से दान में दिया था बड़बड़िक, उसी समय से भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि भविष्य में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। आज भी अपने देश के कई जगहों पर खाटू श्याम के नाम से बड़बड़िक की पूजा की जाती है। ये हिम्मत का, कौशल का, मतलब एक तरह से जीवित प्रमाण है, ठीक है ना? कौन? बड़बड़िक। तो राजस्थान में खासकर ज्यादातर इनको खाटू श्याम के नाम से जानी जाती है। तो अगर कहीं प्रश्न आ गया खाटू श्याम के नाम से किन्हें जानते हैं, तो कौन है? बड़बड़िक है। भगवान कृष्ण को इनको वरदान मिला था, और ये पूरे महाभारत के युद्ध को कौन देखा था? बड़बड़िक ही अपनी आंखों से देखा था। तो कहीं प्रश्न आ गया खाटू श्याम कौन, आप नाम नहीं सुने, खाटू श्याम कौन है? तो बड़बड़िक ही खाटू श्याम है। भले बड़बड़िक राक्षस जाति से बिलोंग करता था, लेकिन इनको देवता के समान आज पूजा जाता है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हंसते हंसते बड़बड़िक अपने प्राण को, अपने गर्दन को उतार के चढ़ गए, कृष्ण के चरणों में डाल दिया था। किस लिए? ताकि मेरा जो अपना परिवार था पांडव, इसको मतलब खत्म ना कर सकूं। बड़बड़िक का रीजन ये था कि इसका मतलब इसकी दादी यही, इस बड़बड़िक जो था, बड़बड़िक की दादी यही सिखाई थी हिडम्बा कि तुमको उसी युद्ध में भाग लेना है जो कमजोर पड़ेगा। तो मान लीजिए शुरू में दुर्योधन कौरवों का पक्ष भारी था, लेकिन अगर एक बार में चाहता तो बड़बड़िक कौरवों के पक्ष को हल्का कर देता, उसकी जनसंख्या को कम करता, तब मजबूत पांडव पड़ता, तो फिर भी बड़बड़िक कहा दुर्योधन के पक्ष से लड़ता, तो ये दोनों के पक्ष में दिक्कत हो जाता है, संतुलन बिगाड़ देता बड़बड़िक। इसी कारण से बड़बड़िक को भगवान कृष्ण ने क्या किया? उनका गर्दन मांग लिए, और बड़बड़िक भी हंसते हंसते दे दिया। तो खाटू श्याम के नाम से आज अगर देखी जाए तो कौन जाना था? बड़बड़िक। बड़बड़िक कौन था? घटोटकच का पुत्र था, यानी भीम का पोता था, यानी हिडम्बा का पोता था, ठीक है।